तो हे एवरी वन वेलकम ऑल वेलकम बैक टू माई चैनल मेडिकॉस पॉइंट आई होप यूर आर डूइंग गुड सो वेलकम टू द लास्ट ब्लॉग ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड दिस ईयर वॉज फिल्ड विद सो मच ऑफ इमोशन सो मच ऑफ ब्रेक डाउन एंड सो मच ऑफ न्यू एनर्जीज सो जैसा भी था साल बीत गया एंड लगता है कि बहुत जल्दी बीत गया बट इट्स ओके साल तो उतने टाइम में ही बीता वो तो हमारे लगने पर है बाकी टू इन्जॉय द लास्ट मोमेंट्स ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आई एम हेयर बैक एट माई होम तो न्यू ईयर के लिए मैं घर आया हुआ था एंड टुडे आई एम डूइंग माई फेवरेट थिंग विच इज़ कुकिंग जो कि मैंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस किया बिकॉज़ एक तो ना वहाँ पे इतने ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स होते थे एंड खुद भी ऑर्डर करो तो आ, आलस आता था इतना बट इट्स ओके मैं घर आया इस बार एक महीने बाद फर्स्ट टाइम मैं इतना टाइम घर से दूर रहा तो ये भी एक्सपीरियंस है बट इट्स ओके टुडे आई एम कुकिंग चीला माय ऑल टाइम फेवरेट तो मैं वही अभी कुक कर रहा हूँ एंड वही खा के आप लोगों को मिलूँगा सो यस एंड आई नो मोस्ट ऑफ़ यू वर मिसिंग द घर के व्लॉग्स बट इट्स ओके अभी लाइक like मैं यहाँ पे तीन दिन के लिए हूँ टुडे थर्टी थर्टी वन एंड वन दो को मैं वापस चला जाऊंगा बिकॉज दो को मेरी क्लास है फर्स्ट की मुझे छुट्टी है हमें कोई वेकेशन कुछ नहीं हुआ सिर्फ़ एक छुट्टी मिली है दैट इज़ ऑफ न्यू ईयर थर्टी फर्स्ट का संडे है तो वही है कि अभी जितना भी टाइम है उतने में मैं आल ट्राई कि मैं दो ब्लॉग्स तो एटलीस्ट बना सकूँ ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे एंड मुझे तो अच्छा लगेगा ही ऑब्वियसली तो अभी मैं जैसे कि बता रहा था मैं कुकिंग कर रहा था एंड टुडेज़ सैटरडे थर्टी थर्टीथ ऑफ दिसम्बर एंड जब ये ब्लॉग आएगा तब होगा लास्ट डे ऑफ द ईयर विच इज़ थर्टी फर्स्ट दिसंबर तो लाइक hmm, like, कोई बात नहीं इट्स ओके okay. अभी बस नया साल बहुत अच्छा जाए एंड हम सबको अपने ड्रीम्स हमारे सबके ड्रीम्स पूरे हो जाएँ दैट इज़ वॉट आई विश तो चलो एल मीट यू गाइज आफ्टर दिस तो फाइनली मेरा लेट इट बी लंच स्नैक कुछ भी मान लो दैट इज़ रेडी मैंने साथ में कॉफ़ी बना ली है एंड ये मेरी फोटो वाला मग है विच इज़ वेरी ओल्ड मेरे पापा ने दिया था मुझे काफ़ी टाइम पहले एंड मेरे पास तो चीज़ें संभाली रहती हैं मैं तोड़ता वगैरह नहीं हूँ एंड आज सुबह से सूरज नहीं निकला like, है लाइक लिटरली भाई यहाँ पे काफ़ी ठंड है कंपेयर टू चंडीगढ़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है वैसे तो मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ डेढ़ घंटे का ही रास्ता है बट स्टिल यहाँ पर ज़्यादा ठंड है पता नहीं क्यों तो चलो एनी अभी मैं अभी ड्रामे कर रहा था यहाँ पे बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे ना अंदर से एक एक टेंशन है कि यार परसों मैं चला जाऊँगा वापस मैं चला जाऊँगा वापस यही एक अंदर से है बस उसी की वजह से आई एम नॉट इन्जॉइंग माई ये वाले पल बट इट्स ओके कोई नहीं नीट के बाद अगर नीट क्लियर हो जाएगा तो यहीं पे रहना है मुझे जितनी भी छुट्टी मिलेगी तो वो सोच के आई एम डूइंग एवरी थिंग तो चलो अभी मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ बिकॉज मैं सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा पढ़ाऊँ एंड मैं बुक्स वगैरह तो साथ में लेके आया नहीं हूँ तो ऑब्वियसली आई एल बी यूजिंग नीट असेंशियल ऐप बिकॉज दिस इज़ लास्ट टाइम सेवियर जब भी आपके पास बुक नहीं है आप ट्रैवल कर रहे हो वट एवर यू आर डूइंग यू कैन जस्ट यूज़ दिस ऐप टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चन तो इसमें हर चैप्टर का न्यू एन एंड ओल्ड एन के हिसाब से कोश्चन्स दिए होते हैं एंड इसमें हर चैप्टर का एन सी आर टी पेज फिल्टर भी दिया होता है सपोज यू हैव रेड थ्री टू फोर पेजेस ऑफ अ चैप्टर तो आप उसी तीन से चार पेजेस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो बट हेयर आई हैव रेड द होल बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन का चैप्टर तो मैं इसलिए पूरे पे जाके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ एंड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं ऑफ ई चैप्टर लाइक इसमें वन एटी वन क्वेश्चन ऑफ़ दिस चैप्टर एंड अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो यू कैन जस्ट बुक मार्क दैट क्वेश्चन एंड वो आपको साइड में एक अलग से सेक्शन में मिल जाएगा विद ऑल द दल्यूशन्स सो यही सब कुछ है जो कि बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए एंड यही सब अवेलेबल है इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एज़ वेल सो ये तो होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात नाउ कमिंग टू माई फेवरेट फीचर ऑफ दिस ऐप विच इज़ पी वाई क्यू मार्ग एन सी आर टी लाइक ये मैंने अभी तक और कहीं नहीं देखा है बिकॉज़ दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल लिटरली टेलिंग यू गाइज तो जैसे कि ये बॉटनी का मैंने सेक्शन खोला हुआ है इसमें मैं किसी भी चैप्टर में गया बायलॉजिकल क्लासीफिकेशन तो आपकी एक एन सी आर टी खुल जाएगी एंड नॉट ओनली एन सी आर टी एन सी आर टी में आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स मिलेंगे विच मीन्स कि यहाँ से पहले नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं एंड फॉर यफॉर्मेशन आप इनको क्लिक करके वो क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर सकते हो लाइक like, लिटरली आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एंड इसका आपको वीडियो सल्यूशन भी साथ में मिलेगा एंड यू नो द अनदर सरप्राइज दैट इज कि आपको ये सब कुछ फ्री मिल रहा है लाइक द पी वाई क्यू मार्क डन सी आर टी इज़ फ्री फॉर एवरी वन टिल नी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हु डाउनलोड द ऐप एंड जस्ट लॉग इन तो आपको पी वाई क्यू मार्क डन सी आर टी फ्री मिलेगी एंड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन यू कैन बाय अभ्यास बैच एंड इफ़ यू आर अभ्यास बैच स्टूडेंट तो आपको ये सब तो साथ में मिलेगा ही मिलेगा तो यार क्वेश्चन मिल रहे हैं एन मिल रही है पी वाई क्यूज मिल रहे हैं एंड उनका वीडियो सल्यूशन भी मिल रहा है तो और क्या चाहिए एंड दैट टू इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स सो जल्दी से जाओ जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कॉमेंट आपको एक बार ज़रूर लाइक विजिट करके देखो आप आई नो यू लव इट सो यस अभी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दो एंड आई मीट यू गाइज आफ्टर दिस आज ना मुझे आदत है लाइक इंस्टीट्यूट से आके दोपहर में सोने की बट आज मैं बिल्कुल भी सोया नहीं तो मुझे अभी इतनी नींद आ रही है ना कि मैं थोड़ा सा जस्ट चाहे दस पंद्रह मिनट ही सो जाऊं बट मैं सो जाऊं तो फिर मैं सोने लगा हूं ये मेरा पुराना रूम है एंड दैट यू कैन सी वो मेरी फ़ोटो है जब मैं अराउंड सिक्स ईयर्स का था तो अभी मैं सो के आपको मिलता हूँ सो so, सोने के बाद हम चले गए बाहर लाइक आई वॉज़ कॉन्टीन्यूसली टेलिंग माई डैड कि मुझे प्लीज़ कहीं बाहर ले जाओ आज बिकॉज मैंने मैंने वहाँ पे एक भी बार कार में राइड नहीं किया है ऑब्वियसली मेरे पास कार थोड़ी है तो अभी मैं घर आया ही था तो मेरा मन था कि चाहे कहीं भी इधर उधर ही ले जाओ बट कहीं ले जाओ मुझे तो फिर पापा बोले ठीक है तो हम छोटी सी राइड पे हम ही जा रहे हैं कुछ काम नहीं है हमें बाहर तो बस वही राइड करने जा रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू मेरा मन कर रहा था इसीलिए तो बस अभी मिलता हूँ आप लोगों को घर आने के बाद सो so, हेलो जी हेलो आई एम बैक राइड uh, वगैरह करके डिनर वगैरह करके एम बैक अभी टाइम है टू डू आर स्टडीज़ मैंने आज की छुट्टी ली थी टुडे सैटरडे आज हमें हॉलीडे थी नहीं बट मैंने खुद की थी तो वही क्लासेज uh, वगैरह अपलोड हो चुकी हैं तो अभी मुझे वही कवर अप करना है तो लेट स्टार्ट विद इट एंड फर्स्ट क्लास आज मेरी तीन क्लासेज थी वन वॉज ऑफ बॉटनी दैन जोआलॉजी देन फिजिक्स आज केमिस्ट्री की कोई क्लास नहीं थी तो वही क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं आप पे तो अभी मैं वही देखूंगा एंड उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ अभी आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टडी ऑन दिस अस्थेटिक सेटअप जो कि मुझे वहाँ पे नहीं मिला बिल्कुल भी एंड ना ही मेरा मन कर रहा है कि वहाँ पे मैं कुछ करूँ बिकॉज़ क्या ही अभी चार महीने बचे हैं उसके बाद मैं छोड़ के चला ही जाऊँगा उसको तो यस वेरी एक्साइटेड अभी मैं वही लेक्चर्स वग़ैरह ही चेक कर रहा था एंड उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ सो हेयर इज़ आर फर्स्ट लेक्चर मेरा मतलब फर्स्ट लेक्चर इन देंस कि अभी मैं जो देखने वाला हूँ उसका फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पीरियड वर्स ऑफ बॉटनी तो मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड स्टार्ट करते हैं बॉटनी का लेक्चर देखना इट इज़ ऑफ वन आर थर्टी मिनट्स बिकॉज हमारी क्लास एक घंटा तीस मिनट की ही होती है एंड ये है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इन्हेरिटेंस का लेक्चर नंबर नाइन आई थिंक तो येस yes, अभी गिविंग यू माई सिलेबस अपडेट हमारा चल रहा है मोलिकुलर बेसिस ऑफ़ इनहेरिटेंस इन बॉटनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन जोआलॉजी एंड फिजिक्स में चल रहा है फ्लूड्स मकैनिकल फ्लूड्स एंड केमिस्ट्री में चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा सोल्यूशन कम्प्लीट हुआ कल ही तो नोट्स वगैरह मेरे बने हुए हैं मोलिकुलर के पहले ही तो उसके तो मैं नोट्स नहीं बना रहा बट बाकी चैप्टर्स के मैं बना रहा हूँ तो यस आल मीटिवाइज आफ्टर दिस फाइनली एम डन विद माई टू लेक्चर्स वन ऑफ बॉटनी वन ऑफ जोअलॉजी एक्स क्रिएटरी प्रोडक्ट्स का भी तो क्या है ना मैंने कुछ शूट इसलिए नहीं किया बिकॉज लेक्चर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का वो बनता है क्या होता है मौका होता है हमारे पास बिकॉज लेक्चर में एक भी बोरिंग मोमेंट आता है ना हम तभी फ़ोन उठा लेते हैं कुछ भी याद आता है हम तभी फ़ोन उठा लेते हैं तो मैंने फोन ही साइड पर रखा हुआ था इन द होल लेक्चर टाइमिंग एंड ऑफलाइन uh, का यही मुझे एक फ़ायदा लगा बिकॉज आप टीचर के सामने फ़ोन नहीं चला सकते दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ ऑफलाइन दैट है फाउंड आउट तो अभी मैं करने जा रहा हूँ रिवाइज़ ब्रीदिंग गैस एक्सचेंज बॉडी फ्लूड्स एंड एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स बिकॉज ये सब हमारे टेस्ट में आ रहा है सेवन को वैसे तो पुराने चैप्टर्स भी आ रहे हैं बट ये नए ऐड हुए हैं तो इसलिए मैंने सोचा एक बार ह्यूमन फिजियो को रिवाइज कर लेता हूँ सारी जितनी भी हो गई है तो वही मिलता हूँ आपको बाद में सो so, जैसा कि अभी न्यू ईयर आने वाला है तो सब लोगों ने बहुत सारे प्लानर्स वगैरह ख़रीदे होंगे जर्नल्स वगैरह खरीदे होंगे टू लिस्ट ट्रैकर्स एंड सो तो मैनी थिंग्स बट मैंने इस बार कुछ भी नहीं ख़रीदा है <laughs> लास्ट टाइम मैंने लिया था टू लिस्ट वाला बट इस बार यार टाइम ही नहीं मिला मुझे ऑर्डर करने का एंड अभी ऑर्डर करूँगा तो तीन चार को आएगा तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो मेरे पास ना एक डायरी र, डायरी रखी थी जो कि मैंने मिस्टर डिया से ली थी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है ये एंड मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया एक भी बार तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लायक है टू टूडुलिस डायरी भरने के तो मैं इसी को बना देता हूँ एंड मैं बता नहीं सकता है कितनी अच्छी है लाइक द मटीरियल इसका ना रबर वाला मटीरियल है इसका कवर पेज तो बहुत सुंदर है तो यही है अच्छा लगेगी ये टू टूडुलिस डायरी बनने के लिए मैंने सोच के तो कुछ और ली थी बट काम बना नहीं तो एनी अभी मैं इसको ही लिस्ट एज अ लिस्ट डायरी बना लूँगा एंड अभी खोलते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स एंड स्टार्ट करते हैं रिवाइजिंग आर शॉर्ट नोट्स ऑफ फ़िजिक्स बिकॉज अभी टाइम है थोड़ा सोने में नींद अभी इतनी नहीं आ रही है तो फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स में रिवाइज़ करने वाला हूँ ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ऑफ ग्रेविटेशन बिकॉज वो टेस्ट में आ रहे हैं तो अलमीट्यू यू इज़ आफ्टर दिस तो फाइनली मेरा ग्रेविटेशन एंड मेरा रोटेशनल मोशन कंप्लीट हो चुका है ऑफ रिवाइजिंग एंड यही अभी फॉर्मूलाज वग़ैरह ही लर्न की है मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी मैं वहीं पे जाके करने की सोच रहा हूँ नहीं तो फिर कल मैं नीट असेंशल एप्स ही कर लूँगा बुक्स वगैरह तो नहीं है मेरे पास यहाँ पे तो यार मैंने ना शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा काम आता है मुझे अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कि लास्ट ईयर क्या क्या गलतियाँ थी शॉर्ट नोट्स मैंने बिल्कुल नहीं बनाए थे वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी तो एनी वेज़ अभी मेरा फोर आर फोटी एट मिनट्स का लेक्चर लेक्चर आ गया क्या हो गया ये स्टडिंग टाइम कम्प्लीट हो गया तो अभी मुझे ना नींद आने लगी है हल्की हल्की वैसे भी आज मैं दस पंद्रह मिनट ही सोया इन द डे टाइम तो इसलिए एंड एकब्रियम भी मेरा कम्प्लीट uh, तो देखो हो गया क्लास में बट लिटरली टेलिंग यू मुझे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आया यार आनिक एक लिब्रियम एक तो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था इसको अभी एंड मुझे ना नहीं समझ आया आनेिक तो इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन ऑफ अ गुड टीचर डू लेट मी नो इन द कमेंट्स वैसे मुझे तो लगता है सुधांशु सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा एंड मूविंग फॉरवर्ड मैंने अपनी ये डायरी रखी हुई थी जो कि आज मुझे मिली घर आके इसमें मैं ना लिखता था अबाउट माई डे हाउ माई डे इवेंट हाउ हाउ जस्ट वॉट द प्रॉब्लम एंड ऑल दैट तो इसमें ना बहुत सारे इमोशंस भर रखे हैं इस डायरी में मैंने ये मैंने स्टार्टिंग में लिखनी स्टार्ट की थी एंड मैं कई कई लाइक नॉट एवरी डे बट सम डेज आई यूज़ टू राइट इट तो मैं आज वही पढ़ रहा था एंड uh, हमें लगता है ना कि साल बहुत जल्दी निकल गया बट इफ़ वी ट्राई टू रिकॉल ऑल द थिंग्स दैट हैपन इन द ईयर तो साल बहुत बड़ा था एंड बहुत कुछ हो गया हमें जो याद रहता है दैट इज़ जस्ट अ स्मॉल मोमेंट्स जो कि हमें अच्छी लगती हैं या हमें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं वही चीज़ें बट जैसा अब मैं ये डायरी पढ़ रहा था बहुत सारे दिनों का मैंने लिखा हुआ है तो जस्ट रीडिंग दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अच्छा ये भी हुआ था लाइक द नोस्टैल्जिक फीलिंग एंड हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी करते हैं चीज़ों को कि यार इस टाइम पे काश मैंने ये किया होता काश ऐसा नहीं कर रहा होता मैं ये कर रहा होता वो कर रहा था लाइक ऑल द थिंग्स कम इन टू आर माइंड आफ्टर बट तब तक टाइम निकल चुका होता है तब हम कुछ नहीं कर सकते सो टुडे आई जस्ट थॉट कि क्यों ना मैं एक पूरे ईयर का समरी लिखूं इसी डायरी पे कि मेरा साल कैसा गया वट आई डिड रोंग वट आई डिड राइट ताकि नेक्स्ट ईयर जब मैं कभी भी इस डायरी को पढ़ूँ सो आई शुड नो कि मैं क्या गलती कर रहा था इन द पास्ट एंड वट आई हैव इम्प्रूवड इन फ्यूचर तो ये मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था तीन चार दिनों से कि मैं ऐसा कुछ लिखूँ ताकि मुझे ऐसा भी ना लगे कि साल एकदम से ऐसे बीत गया ये हो गया तो अभी मेरा यही प्लान है आई बी स्टार्ट राइटिंग इट टुडे एंड कल तक ये एंड हो जाएगा लाइक बारह महीने एंड मैं कुछ मेन मेन चीज़ें नॉट एवरीथिंग लाइक like, जितना भी मुझे याद है मैं उतना लिखने की कोशिश करूँगा तो आई आई रेकमेंड यू द सेम कि आ, आप एक बार डायरी उठाओ एंड स्टार्ट राइटिंग वट एवर इट इज़ इन योर माइंड ताकि आप न्यू ईयर में जाने से पहले आप अपने सारे पास्ट अपना आपको कोई भी अंदर से फीलिंग है यू कैन शेयर विथ एनी तो आप डायरी में लिख दो इट हेल्प्स अ लॉट मैं हमेशा करता हूँ तो जस्ट डो इट गाइज इट्स लास्ट डे ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड सारे रिग्रेट्स को भूल के सबको लाइक हैप्पीली स्टार्ट द ईयर हैप्पी विद नो रिग्रेट्स इन एनी थिंग एल्स मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बी द बेस्ट ईयर ऑफ आई लाइफ एंड टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन तो अल्ट्राए की रेजोल्यूशन ऐसा कुछ भी खास नहीं है मेरा इस बार बट वही है कि आई जस्ट वॉन्ट अ वाइट कोट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो वही एक मेरा रेजोल्यूशन है एंड आई एम जस्ट राइटिंग माय नाउ फुल ईयर सामवरी जो कि जितनी भी कंप्लीट होगी आज लिखूँगा बाकी कल लिखूँगा तो आई मीट यू गाइज आफ्टर दिस बाकी अभी ना मैं व्लॉग एंड ही कर दूँगा आई नो ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया बट दिस इज़ द लास्ट मैसेज फॉर यू ऑल ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विद द फुल ग्रेटिट्यूड थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन मी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री माई बेस्ट बर्थडे एवर आपने बना दिया इसको एंड माई यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट ईयर लाइक लास्ट ईयर मेरे जैसा भी व्यूज़ था जैसा भी मैंने टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री स्टार्ट किया था आई हैव नेवर क्विट चाहे मेरे एक हज़ार व्यूज़ हैं पाँच सौ व्यूज़ हैं आई हैव नेवर क्विटेड आई जस्ट वर्कड हार्ड एंड मुझे टेन के सब्सक्राइबर्स मैंने हिट किए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर देट एंड ये ईयर वॉज Full of ups and downs and not cracking neat, less marks in boards, and starting fresh my first drop, like very very new experiences. But anyways, the year ended and the new year is starting soon. And I wish I had success in 2024. Ya, koi bhi exam ki kar rahe ho. So this was it. I am signing off for 2023. I hope you guys enjoyed this vlog. If you did, don't forget to hit the like button, share it with the friends, and subscribe to my channel. Thank you so much for everything you have guys you guys have given me in 2023 and I hope we will remain together in 2024 as well so bye bye